हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव कुकर में, जिसके लिए हमें चाहिए 350 ग्राम चावल, 125 ग्राम प्याज कटी हुई, 125 ग्राम मटर के दाने, 3-4 तेज पत्ते, 2 से 3 बड़ी इलायची, 10-12 लौंग, 20 से 25 काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। हमने गैस पे कुकर रख दिया है, इसमें 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। थोड़ा गर्म होने पर अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। चावल को हम जब भी बनाएं, उसे हमेशा बनाने से पहले 1 घंटा भिगो के रखें, जिससे चावल जल्दी गलने लगता है। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। चावल को धो के अच्छे से अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। फिर हम इसे चलाएंगे धीरे धीरे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच, या आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च साबुत, तेज पत्ते, लौंग, और ये बड़ी इलायची। इसको हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। ये खड़े मसाले डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे अच्छे से घुमा देंगे। थोड़ी देर भूनने पर, 1-2 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालें कि चावल उसमें डूब जाएं, बस से ज़्यादा पानी न डालें, क्योंकि ये कुकर में बन रहे हैं तो जल्दी गल जाते हैं चावल। फिर इसे अच्छे से घुमा के हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। देखिए, थोड़ा पानी और पड़ेगा, अभी हमने और डाला। अब हम इसे ढक देंगे। ध्यान रहे कि सिर्फ इसमें विसिल भरनी चाहिए, आए नहीं। सीटी भरने तक इसे तेज आंच पर रखें। फिर इसके नीचे 2 मिनट के लिए तवा रख देंगे और फिर इसे हम नीचे उतार देंगे। जब गैस निकल जाए, इसकी पूरी विसल ठंडी हो जाए, तो आप कुकर खोलेंगे। देखिए, मटर पुलाव तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।